अभी तो साड़ी सब खरीदे हैं, जी फिर चूड़ी खरीद रहे हैं। महादेव से क्या मांगेंगे, बाल बच्चा अच्छे रहे, हम अच्छे रहे, और क्या। बिक्री कैसी हो रही है? अभी तो कुछ नहीं है क्योंकि बारिश की वजह से अभी बाजार उतना है नहीं। देखिए, कोई भी कस्टमर आता है बिना कम कराया तो लेगा नहीं, कम कराने के लिए बोलते पर फिक्स प्राइस है। अरे बहुत चीज़ में आती है, लहठी में आएगी, ब्रास में आएगी, सब चीज़ में आती है लहठी। अच्छा, उसका लिमिट कोई नहीं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। सावन का पावन महीना शुरू हो गया है और हर जगह हरी हरी चूड़ियाँ देखने को मिल रही है। और अब हम मौजूद हैं पटना के सबसे बड़े चूड़ी मार्केट में। तो देखिए आप, हम चूड़ी मार्केट में पहुंच चुके हैं और कितने तरीके की, कितनी रंग बिरंगी हरी चूड़ियाँ हैं। और सीधे तौर पे आपको वैरायटी में, डिज़ाइन में सब तरह की चूड़ियाँ मिलेंगी। और महिलाएं जो हैं वो ख़रीदते हुए भी नज़र आ रही है। जहां एक तरफ पूरे मार्केट में हरी भरी चूड़ियाँ दिख रही है, जहाँ हर कोई ख़रीदते हुए भी नज़र आ रहा है। और सावन की यही खासियत है कि हर जगह जो है सारी चीज़ें हरी भरी रहती है। दुकान वाले भैया, भैया क्या रेट चल रहा है चूड़ियों का? 100-150। सौ डेढ़ सौ? कुछ स्पेशल चूड़ी आई है या पुरानी है? सब नई है चूड़ी। अच्छा, सबसे महंगी चूड़ी आपके पास कौन सी है? सब महंगी है, अच्छी की बात है, और क्या, जो पसंद हो जाए सब बढ़िया है। अच्छा, सबसे कम दाम की चूड़ी, मतलब जो लोग ले सके, ये है 100 रुपये की डब्बे। तो आप देखिए, 100 रुपये की भी आपको चूड़ियाँ मिल जाएंगी, और सबसे महंगी भैया बोल रहे हैं कि 150 की भी है। इसके अलावा भी कई चूड़ियाँ आई हैं भैया, या बस इतनी ही है? अरे बहुत चीज़ में आती है, लहठी में आएगी, ब्रास में आएगी, सब चीज़ में आती है लहठी। अच्छा, उसका लिमिट कोई नहीं। बढ़िया है, मार्केट सही है? मार्केट एकदम बढ़िया है। अच्छा ये बताइए, इस बार महंगाई की मार देखने को मिल रही है क्या? अब क्या कीजिए, महंगाई है तो अब चलना है उसी में ना, ले देखे। अच्छा, ग्राहक आते तो बोलते हैं कि कम कीजिए थोड़ा सा? बोलते तो हैं, मगर कम बेसी नहीं होता, एक रेट है, कम बेसी नहीं होता। तो देखिए, सीधे तौर पे आपको देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे वैरायटी है चूड़ियों की, और यहाँ पे आपको 150 से लेके 100 तक में सारी चूड़ियाँ मिल जाएगी। अगर हम दूसरी तरफ की भी बात करें तो आप देखिए, यहाँ पे पूरी तरीके से सावन को लेके बाजार सज चुका है, जहाँ पे आपको सारी चूड़ियाँ दिखाई देगी। इसके साथ ही मार्केट भी काफ़ी रौनक से भरा हुआ है, क्योंकि महिलाएँ भी इस बार शॉपिंग करने आ रही है। भैया क्या रेट चल रहा है चूड़ियों का? हरी चूड़ियों का क्या रेट चल रहा है? 100, 200, 300, यही सब रेट का। अच्छा, सबसे महंगी चूड़ी कितने की है आपके पास? 200 से स्टार्टिंग है। दिखाइएगा जरा 200 ये सब है। तो आप देखिए, यहाँ पे आपको 200 में ये सारी चूड़ियाँ मिलेंगी। और सबसे कम रेट कौन सी चल रही है? 100। तो आपको 100 की भी चूड़ियाँ यहाँ मिल जाएंगी, और यहाँ 200 की भी चूड़ियाँ मिल जाएगी। और सावन का महीना है और लोग खुशी खुशी हरी हरी चीज़ें पहनते हैं। मैम क्या शॉपिंग कर रही हैं? चूड़ी चूड़ी। अच्छा, सावन के महीने में क्यों लोग हरी चूड़ियाँ खरीदते हैं? क्योंकि ये बहुत सुहागन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए। अच्छा, क्या है मार्केट का, क्या लग रहा है आपको, महंगाई है? महंगाई तो है, है हाँ, लेकिन सुहागन के बहुत अच्छा चीज़ है। अच्छा, आपने क्या क्या खरीद लिया, क्या क्या शॉपिंग कर ली? अभी तो साड़ी सब खरीदे हैं जी, फिर चूड़ी खरीद रहे हैं। चूड़ी का रेट ठीक लगाया भैया ने, या महंगा है? हाँ ठीक है, ठीक ही है। हाँ चले, मांग क्या रही है भोले बाबा से इस बार? पूरा भारत अच्छा रहे। हाँ चलिए, देखिए यहाँ पे आप देखिए, पहले वैरायटी देख लीजिए, कितने तरह की चूड़ियाँ हैं, और सिर्फ 200 दाम है। आपको इसमें काफ़ी तरह की चूड़ियाँ मिल जाएंगी, जो आपके हाथों की शोभा कहीं ना कहीं बढ़ाएंगी। ये दुकान भी काफ़ी खूबसूरत है, ऐसी हरी चूड़ियों के अलावा भी आपको कई तरीके की चूड़ियाँ मिल जाएंगी। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए, यहाँ पे भी आपको काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत चूड़ियाँ देखने मिलेंगी, और डिज़ाइन इस बार काफ़ी है। क्या रेट है भैया? 200 का इधर है, 200 का। सबसे महंगी कौन सी है? 200 का। और ये सारी जो डिजाइन वाली है, ये भी 200 की है? सारी ही 200 की है। और सबसे सस्ती चूड़ी कौन सी है? 100 से स्टार्ट है, सबसे सस्ता 100 से। अच्छा, क्या महंगाई की मार देखने को मिल रही है? नहीं, कोई खास नहीं जो है। बिक्री कैसी हो रही है? अभी तो कुछ नहीं है क्योंकि बारिश की वजह से अभी बाजार उतना है नहीं। अच्छा, ये सारी चूड़ियाँ आप लोग ऑर्डर देके मंगाते हैं, या फिर यहीं का प्रोडक्ट है? नहीं, सारा जयपुर का आइटम है। जयपुर जी। तो यहाँ जब कस्टमर आते हैं तो कहते हैं कि थोड़ा कम कीजिए? कम, देखिए कोई भी कस्टमर आता है बिना कम कराए तो लेगा नहीं, कम कराने के लिए बोलते, पर फिक्स प्राइस है, कम करते नहीं। तो देखिए आप, यहाँ पे कितनी खूबसूरत चूड़ियाँ, और ये पूरा दुकान जो है वो चूड़ियों से ही भरा हुआ है। चाहे हम आगे की दुकान की भी बात करें, सावन को लेके काफ़ी खूबसूरत
चूड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे काफ़ी तरीके की डिज़ाइंस भी हैं और हर तरफ महिलाएं ना खरीदते हुए नज़र आ रही हैं। आप लग रहा है आपकी मतलब शादी हो चुकी है, तो किस तरीके से मना रही है इस बार सावन? अच्छे से मनाएंगे। किस तरह से मनाएंगे? महंगाई दिख रही है क्या? हाँ महंगाई तो है बाजार में। कैसा है मार्केट में? हाँ अच्छा है मार्केट। चूड़ियों की डिजाइन पसंद? हाँ बहुत पसंद आ रही है। महादेव से क्या मांग रही है? महादेव से क्या मांगेंगे, बाल बच्चा अच्छे रहे, हम अच्छे रहे और क्या। चलिए देखिए महिलाएं भी काफी प्रसन्न और खुश नजर आ रही हैं, कुंवारी लड़कियां भी आपको चूड़ी खरीदते हुए दिखेंगी और ये सारी जो रौनक है वो सावन को लेकर है। जहाँ पर सावन की अगर हम बात करें तो सावन में हरी भरी चीजें ज्यादा लोग खरीदते हैं और महादेव का महीना है और महादेव के महीने में ही लोग महादेव की पूजा आराधना के साथ सुहागने जो है पूरा पूजा करती है। ये था पटना के चूड़ी मार्केट में क्या कुछ है चूड़ियों का रेट और किस तरीके से इस बार महिलाएं भी जो है वो खुश नजर आ